नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ बांकला आलू की सब्ज़ी। तो ये बांकला है, कहीं इसे बांकला की फली कहते हैं तो कहीं इसे राम चना तो कहीं शिव चना कहते हैं। तो हम लोग यूपी में रहते हैं तो यहाँ पर इसे बांकले की फली कहते हैं। तो चलिए इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं आज। तो इसको अच्छे से इसके रेसे निकालेंगे दोनों साइड से, इस तरह से ये देखिए। तो इसके रेसे निकाल के फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसके रेसे निकाल लिए थे सभी, फिर इसके मैंने छोटे टुकड़े कर लिए। जो ज़्यादा बड़े थे उसके मैंने 3 टुकड़े करे और जो मीडियम साइज़ के थे उसके मैंने 2 टुकड़े करे। तो इसको सभी को कट कर लिया। इसमें डालूँगी मैं आलू, और आलू को भी मैंने अच्छे से छील के धो लिया है, और ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। तो इसको पहले मैं बीच में से कट करूँगी, और जैसे बांकले की फली का साइज़ है ना उसी साइज़ में मैं इसको काट लूँगी। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और सीजन के हिसाब से जो सब्ज़ियाँ आती है ना उसे हमें ज़रूर खाना चाहिए और बनाना चाहिए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इनको काट के धो लिया एक बार फिर से, और इसको मैंने रख दिया। इसमें थोड़ा सा पानी भी है। तो चलिए अब बनाना शुरू कर लेते हैं। गरम कढ़ाई में डाल लेते हैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मेथी और 1/2 छोटी चम्मच हींग डालेंगे, और इसको अच्छा चटकने देंगे। और इसके बाद मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज काटा है, इसको भी डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हल्का पिंक होने तक इसे भून लेंगे, और ज़्यादा डार्क इसे हमें नहीं भूनना है। तो बस ये देखिए हल्के पिंक कलर के हो गए हैं। तो अब इस समय हम डालेंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, और हल्दी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इस समय गैस का फ्लेम मैंने लो किया हुआ है, तो हल्दी भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे इसमें ये बांकले की फली और आलू। इसमें थोड़ा सा पानी भी था, वो भी मैंने साथ में डाल दिया, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए और मसाले भी अच्छी तरह से पूरी सब्ज़ी में मिल जाए। तो ये डाल दिए, इसको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर उसके बाद इसमें बेसिक मसाले और ऐड करेंगे। तो ये सब्ज़ी ना किस किस को अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही डालेंगे इसमें 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। साथ में डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और बस इतने ही हमें बेसिक मसाले डालना है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ज़्यादा मसाले ना हरी सब्जियों में अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया मैंने। अब इसे कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम में इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए मैंने 5-6 मिनट तक इसे पकने दिया, और बीच में एक बार मैंने इसे ढक्कन हटा के चला दिया था। तो ये देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं, और सब्ज़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा पक चुके हैं। एक बार आलू को कट करके देखते हैं, देखिए थोड़ी सी आलू गल गए हैं। और फिर अब इसको एक बार फिर से कवर करके पकाएंगे, जब तक कि आलू अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं और सब्ज़ी गल नहीं जाती। तो चलिए इसे फिर से कवर करके पकाते हैं। तो बस अब ज़्यादा 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए सब्ज़ी पहले से काफ़ी अच्छी तरह से पक चुकी है, और इस सब्ज़ी को कम से कम पकते पकते 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और अब देख लेते हैं एक बार आलू फिर से कि कितनी गली है या नहीं गली है। लगभग आलू हमारे गल के तैयार हो चुके हैं। एक बार मैं चम्मच से भी इसको प्रेस करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आलू अच्छी तरह से गल गए, यानी कि सब्ज़ी भी हमारी अच्छी तरह से बन चुकी है। अब डालेंगे इसमें हम अमचूर पाउडर, क्योंकि हमने टमाटर का प्रयोग नहीं किया है, और टमाटर डालने से ना सब्ज़ी बिल्कुल अजीब सी हो जाती है, पिचपिची सी हो जाती है, और मैं अमचूर पाउडर ही इसमें डालती हूँ। उससे सब्ज़ी बिल्कुल खिली खिली और बहुत अच्छी बनती है। तो ये लीजिए मैंने मिक्स कर लिया है, और सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। और जो ये बांकले की फली के जो बीज निकले हुए हैं ना, तो ये सब्जी में 4 चांद लगा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे ना, हम 1 छोटी चम्मच के लगभग इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, और फिर इसको मिक्स करके फिर कवर करके रखेंगे, और हमारी सब्जी बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने गैस बंद कर लिया है, इसको कवर करके रख देते हैं, फिर जब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी तो दिखाऊँगी आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली रेसिपी आप सब लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। तो ये लीजिए, ये देखिए सब्जी बनके हमारी हो गई है एकदम से रेडी। और आप भी इस तरह से बनाइए, और मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं बच्चों के, और साथ में इसे आप कहीं सफ़र में भी ले जा सकते हैं पूड़ी के साथ, पराठे के साथ।
ये रेसिपी तो मेरी बन गई है। अब मिलती हूँ मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।